एवं झारखंड राज्य के अंतर्गत दवा एवं अन्य उद्योगों में कार्यरत लगभग 20,000 से अधिक सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 26 नवंबर 2020 को घोषित राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होकर दोनों ही राज्यों बिहार एवं झारखंड में सेल्स प्रमोशन के कार्य को पूर्णतः ठप रखेंगे। क्यों करने जा रहे हैं? हमारे स्ट्राइक है 26 नवंबर को तमाम मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है बिहार झारखंड के और तथा अखिल भारतीय संगठन के हमारी 5 लाख से ऊपर हमारे हड़ताल में रहेंगे। जो बुनियादी मांग हमारे हैं, जो हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर श्रम संशोधन के नाम में जो कानून को बदला जा रहा है और कानून का बदलने से हमारी छटनी बेरोजगारी बढ़ेगी, इसके खिलाफ हम लोग हैं और इसके लिए हम लोग हड़ताल में जा रहे हैं। दूसरी बात है, जनता के लिए हम लोग मांग रहे हैं कि जो दवा में जो GST लगती है वो GST जीरो GST होना चाहिए। जीरो GST होने से दवा सस्ते में मिलेंगी, सस्ता दवा उपलब्धता होगी और इससे जनता दवा खरीद सकती है। और सबसे बड़ी मांग का हम लोग कर रहे हैं कि भारतवर्ष में जो पब्लिक सेक्टर्स कंपनी है और जैसे IDPL हुआ, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स हुआ, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स हुआ, इसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए और उजागर किया जाए ताकि भारतवर्ष में भी हमारा दवा मिले, बने और सस्ते में दवा मिले, ये हमारी मांग है। अगर सर हड़ताल से आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे, अगला कदम क्या? आने वाले दिन में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे, हम लोग कानून के दरवाजा खटखटाएंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने का भी विचार किए हुए हैं। FMRI के तरफ से जो इस यहाँ का लेबर का जो कानूनी अधिकार था जिससे उसको फायदा मिलता था, अभी आप देख रहे हैं एक सबसे बड़ा बात है जो 8 घंटा वर्क, ये बहुत पहले लड़ के लिया गया था, आज 12-12 घंटे हर एक स्टेट गवर्नमेंट उसको दे रहा है। प्लस दूसरा है ग्रेचुटी बोनस, अभी आप देख रहे हैं कि जो इसका क्या कहते हैं, हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया कानून लाने जा रही है जो 50 ईयर्स के बाद उसको रिटायर कर दिया जा रहा है। तो वे जो ये सब जो कानून है, ये जो एक लेबर को जो मिलती थी उसके लिए ये गवर्नमेंट ने नया कानून लेके जितने भी वहाँ पे उनका जो अधिकार जो उस कानून के अंदर में था उसको 4 कोड में बदल कर उसको स्क्रैप किया जा रहा है, उसको रोक दिया है। उसी तरह से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक बार भी बोला जा रहा है, 1976 में हम कानून बनाए, 1976 को कानून को एक में लड़के हम लोग किए, उसको 1 मिनट में उसको स्क्रैप करने का प्रयास किया। इसी के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं हम, इसी चीज़ के खिलाफ हम लोग हड़ताल। प्लस एक लेबर लॉ रिफॉर्म का माने क्या, रिफॉर्म होता है सुधार का माने मजदूरों के पक्ष में कि विपक्ष में, हम मजदूर के पक्ष में इसलिए हम इसके खिलाफ कर रहे हैं। क्या हुआ, जैसे बोनस में पहले मालिकों का बैलेंस शीट देखने का अधिकार था जिससे मालिक नहीं कतरा सकता था इसलिए उसको बोनस देना पड़ता था, अभी वो अधिकार छीन लिया गया। पहले किसी संगठन को मालिक के साथ वार्तालाप करने के लिए मजदूरों का अधिकार था, कोर्ट के द्वारा वो अधिकार प्राप्त होता था, अभी वो अधिकार छीन के मालिक को पूरा पूरी राइट दे दिया गया कि वो तय करेगा। पहले तो हड़ताल करने के लिए कई दिन का समय दिया जाता था, अभी 42 दिन का देना पड़ता है और लेबर कमिश्नर को कंसिलेशन बुलाने का अधिकार है, अगर इस पर हम हड़ताल करते हैं तो आपको 25,000 से 50,000 का फाइन होगा, आपको ये 1 महीने का सश्रम कारादंड होगा, इस तरह से कई बातें हैं। तो आपकी हड़ताल इसी एक्ट के खिलाफ हो रही है, इन सारी बातों को मजदूर का जो हक छीन लिया गया उसके लिए हड़ताल हो रहा है।